दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर अगर हमें 10, 20, 50, 100 या 100 से भी ज्यादा, 1000 या 1000 से भी ज्यादा फोल्डर्स बनाने हो तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे, वो भी 10 सेकंड्स के अंदर अंदर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे MD स्पेस डबल कोट्स और उसके अंदर यहां पर जो हमें सेल में दी हुई है वैल्यू वो लिख देंगे प्रोडक्ट वन और डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे। ये सारे के सारा डाटा हमारे पास यहां पे आ चुका है। उसके बाद हम सिंपली इस डाटा को कॉपी करेंगे, विंडो आर की प्रेस करेंगे, नोट पैड ओपन हो जाएगा, यहां पे एक नोट पैड के अंदर इसको पेस्ट करेंगे और फाइल पे आके सेव एस पे आके इसको किसी भी फोल्डर के अंदर, हम डेस्कटॉप पे हमने एक प्रोडक्ट का फोल्डर बनाया हुआ है यहां पे सेव कर देते हैं और इसका नाम हम यहां पे रख देते हैं product.cmd और इसको सेव कर देते हैं। तो आप पे प्रोडक्ट के फोल्डर में आ जाएंगे और यहां पे प्रोडक्ट के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। आपने देखा कि जैसे ही हमने प्रोडक्ट पे डबल क्लिक किया ये हमारे पास 1000 के 1000 फोल्डर्स जो हैं वो बन चुके हैं।